मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। فكيف تنكر حبا بعدما شهدت فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك أولول الدمع والسقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم किस तरह इनकार किस तरह इनकार कर सकता है तू इस इश्क से किस तरह इनकार कर सकता है तू इस इश्क से आंसुओं और रंग रुख ने जब किया तुझ पर शितम دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم اس شعر میں جو کہ پہلی فصل ہے اور قصیدہ بردہ شریف کی اس پہلی فصل کو ہم جب سے پڑھ لیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی فصل ہے یاد محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی فصل اور اس فصل کا یہ چوتھا شعر ہے اب اس میں امام شیخ شرف الدین البوسیری فرما رہے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ خُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ یعنی تو دو گواہیوں کے باوجود کیسے چھپا سکتا ہے اپنے عشق کو تیرے پاس دو گواہیاں ہیں فرماتے ہیں کہ بِهِ عَلَيْكَ عُلُولُ الدَّمِ وَالسَّقَمِ فرماتے ہیں کہ دو معتبر گواہوں کی شہادت اور دو معتبر گواہوں کی گواہی جب یہ آ گئی ہے شہادت شہادت اس کو کہتے ہیں کہ گواہی دے دی گئی ہے تو پھر تو اپنے جذبہ عشق کو کیسے چھپا سکتا ہے اب یہ دو معتبر گواہ کون ہیں یہ دو معتبر گواہ ہیں آنکھیں یہ دو گواہ اور ان آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو
ये गवाही दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तू मर्ज़े इश्क में मुब्तला है। और इसमें जो बुनियादी बात है, पहली बात तो ये कि आँखों की गवाही झुठलाई नहीं जा सकती। हमारे दीन में तीन मंजिलें हैं, एक है इल्मुल यकीन, दूसरी है आयनुल यकीन, तीसरी है हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन कहते हैं कि आपको किसी के बारे में, किसी वाक़े के बारे में, किसी मसले के बारे में इल्म हो, यानी सिर्फ इल्म हो आपको और आपने यकीन किया हो कि हाँ मुझे इल्म है कि ये बात दुरुस्त है। दूसरा मंजिल आती है आयनुल यकीन, यानी आपने अपनी आँखों से देखा हो वो मामला या वो वाक़या या वो मसला, तो आप इतने बड़े गवाह बन जाएंगे कि आयनुल यकीन। मैंने तो खुद अपनी, जिसको कहते हैं चश्मदीद गवाह, एक होता है गवाह उसने सुना है, एक होता है चश्मदीद गवाह। और तीसरी मंजिल आती है हमारे दीन में जिसको कहते हैं हक्कुल यकीन, ये अंबिया का मनसब है, ये अंबिया का मकाम है। हक्कुल यकीन जो हक के साथ यकीन लेकर आते हैं, यकीन भी हक के साथ लेकर आते हैं, जिनको यकीन होता है कि वो हक पर है। ये मंजिल या तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की है, या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्लामा बद्रुद्दीन ऐनी ने इसके बारे में लिखा है कि ये मंजिल फिर नफ्स मुतमईना की होती है, जो मुतमईन नफ्स होते हैं, या ये तो नफ्स मुतमईना इरजी इला रब्बिक राज़िया, तो या तो ये वो नफ्स होते हैं जिनकी मंजिल होती है। लेकिन हम कहते हैं कि इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन में हम बुनियादी तौर पर इल्मुल यकीन पर हैं। ऐनुल यकीन जैसे कि हमने क़यामत नहीं देखी, ऐनुल यकीन जैसे कि हमने जन्नत नहीं देखी, ऐनुल यकीन जैसे कि हमने जहन्नम नहीं देखी, ऐनुल यकीन जैसे कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। लेकिन हमारा इल्मुल यकीन ये कहता है, जिसे हमें दिखाया कि बिन देखे बिन जाने बिन चखे इश्क करो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, यानी ईमान लाओ तो ऐसे लाओ कि बिना देखे बिना चखे बिना जाने, देख कर ईमान लाए तो क्या ईमान लाए, मज़ा तो ये कि तुम बिना देखे ईमान लेकर आओ। बिना देखे ईमान है कि तुमने नहीं देखा काली कमली वाले को, तुमने नहीं देखा सुरमगी आँखों वाले चश्मान मुबारक जिनके हैं, तुमने नहीं देखा जिनका रुखसार मुबारक ऐसा है कि जिस पर जब कुरान उतरता है तो चेहरा मुतगैर हो जाता है और चेहरे की सफेदी बताती है, सुर्खी बताती है कि आप पर वही नाजिल हो रही है। तुमने नहीं देखा उन शफ्तान मुबारक को, शफ्तान कहते हैं होठों को, तुमने नहीं देखा उन शफ्तान मुबारक को जिससे सिवाय हक के और कुछ जारी नहीं हुआ, नहीं देखा। लेकिन तुमने सुना है, तुमने जाना है, तुमने पढ़ा है, तुमने माना है कि कोई है, कोई ऐसा है कि जो अगर अपनी उंगली का इशारा चांद की तरफ करता है तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, कोई है। तो यहीं पर इमाम शेख शरफुद्दीन अल-बुसैरी कह रहे हैं कि जब तेरे पास दो गवाह मौजूद हैं, हर वक्त तू याद मोहम्मद में रोता रहता है, हर वक्त तू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके अपने आंसू बहाता रहता है, और फिर भी तू कहता है कि तुझे इश्क नहीं हुआ, कैसा तू आशिक बना फिरता है, अपने इश्क को छुपाता है, याद तुझे आती है हर वक्त महबूब की, छुपाते रहते जो अपना इश्क, ये कैसी याद हुई थी, ये कोई याद नहीं थी, ये छुपाने की कोशिश मत कर, बता दे दुनिया को, जैसे कि मैंने कल भी कहा था बता दे दुनिया को। यहाँ भी बुनियादी तौर पर इमाम शेख शरफुद्दीन अल-बुसैरी से नसीहत करें, बता दे दुनिया को कि तेरा महबूब एक ही है जिसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छुपाने से क्या हासिल, अब तो तू उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, अब तो तेरा रुआ रुआ यही कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी व बारिक वसल्लम वसल्लम। इमाम खरपूती ने तो इस शेर के बारे में जो बात कही है, तो मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस शेर के बारे में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इमाम खरपूती कहते हैं कि कसीदे मुबारक में छः अशार ऐसे हैं, इस पूरे कसीदे 254 अशार पर मुश्तमिल कसीदा है, और इनमें छः अशार ऐसे हैं जो हुजूर ने बाकायदा जब समाअत फरमाई तो पसंदगी के लिए उन पर तबस्सुम फरमाया,
और आप कहते हैं कि इस शेर की फजात और बलागत पर जब ये शेर सुना रहे थे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूमने लगे। इस शेर को 3 दफ़ा पढ़ना और हाजत के लिए दुआ मांगना चाहिए। यानी अगर इस वक्त आपके दिल में कोई भी हाजत है और आप दुआ मांगना चाहते हैं तो इमाम खरबूती की शरह के मुताबिक 3 दफ़ा पढ़ रहा हूँ, आपके दिल में भी अगर कोई दुआ है तो आप कर लीजिए, क्योंकि 3 दफ़ा जब भी पढ़ा जाता है तो आप अपने दिल की कोई भी दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश कर सकते हैं। फकैफा तुम की रूह बम्बादामा शहेदत, फकैफा तुम की रूह बम्बादामा शहेदत बिही अलै का उलूने दमई व सकमी। ये पहली मर्तबा पढ़ा मैंने। फकैफा तुम की रूह बम्बादामा शहेदत, फकैफा तुम की रूह बम्बादामा शहेदत बिही अलै का उदुलु दमई व सतमी। दूसरी मर्तबा। फकैफा तुनकी रूह बम्बादामा शहेदत, फकैफा तुनकी रूह बम्बादामा शहेदत बिही अलै का उदुलु दमई व सकमी। मौलाया सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्ली हिमी। ये 3 मर्तबा शेर आपने सुन लिया और इमाम खरबूती की शरह के मुताबिक जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला उसे कबूलियत के दर्जे पर फायज करता है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों का हाल बेहतर जानता है, जो हम जिस दर्द जिस तकलीफ़ में या जो हम अपने रब को पुकारते हुए जो दुआएं करना चाहते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। जिसकी जो दुआ है, जिसकी जो हाजत है, अब उसके रब से कुछ छुपा हुआ नहीं है, अल्लाह ताला सब जानता है। हमारे आपके रब से जो एक ही है अल्लाह, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वह आपका दर्द भी जानता है, मेरा दर्द भी जानता है। लिहाजा इस दर्द को आप भी महसूस करें, मैं भी महसूस करूँ, और हम सब मिलकर अपने अपने लिए दुआ करें। जब हम अपने अपने लिए दुआ करते हैं तो फिर हम यूँ समझ लीजिए कि सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन पहले अपने लिए दुआ करें, फिर अपने वतन के लिए दुआ करें, फिर अपने हाकिम के लिए दुआ करें। फिर अब दुआ का तरीक़ेकार ये होता है, जिस जगह पर आप रहते हैं उसके लिए दुआ करें, जो यहाँ पर हुक्मरान है उसके लिए दुआ करें। अगर नेक है तो दुआ करें, अगर नेक नहीं है तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे नेक बनाए। अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो दुआ करें ये अच्छे काम होते रहे, अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहा तो उसे तौफीक हो अच्छे कामों की दुआ करें। आप ही हाकिम के लिए दुआ करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम अपने हुक्मा के लिए, यानी जो हुक्काम होते हैं उनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे तो फिर अच्छे कामों की तौफीक कैसे होगी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो आज माशाल्लाह 4th रोज़ा हम इफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान में आज 4 रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी, आज मंगल का दिन है और अप्रैल की 28 तारीख है 2020 ईस्वी। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है, और ये इफ्तार आमिर के साथ, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। नाज़रीन मोहतरम, अभी बहुत सारे सेगमेंट्स होना बाकी हैं, ऐसी कुछ रिवीजन अब तक करता रहता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, तिब्बे नबी की तरफ बढ़ने से पहले, बल्कि वहाँ चला जाता हूँ मैं, अली मोहम्मद खान साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम अली मोहम्मद खान साहब। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्लाह करम। आपने जी अस्सलामु अलैकुम वासिफ शाह साहब, कैसे मिजाज है? आज आवाज वाकई मैंने नहीं कहा, बात सही कह रहे हैं। चलो भाई करते हैं फिर वैसे। हाँ ये बात भी सही है, फिर मज़ा नहीं आता है जी।
पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाज़रीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपी ममालिक, खुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासतें मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जहाँ जहाँ इस वक्त एक्सप्रेस टीवी पर हमारी खुसूसी नशरियात प्यारा रमज़ान इफ्तार अमर के साथ देखी जा रही है, वहाँ वहाँ टेलीविजन सेट के सामने मौजूद तमाम नाज़रीन को, यहाँ मौजूद तमाम नाज़रीन को, जनाब शहरयार तारिक, जनाब जाहिद भाई, जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जनाब वासिल शाह साहब, हमारे तमाम कैमरामैन, हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर्स, ऑडियो इंजीनियर्स, ऑडियो इंचार्ज, इसके अलावा मास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद प्रोड्यूसर्स और तमाम वो साथी जिन्होंने दामे दर में सुखने इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया है, उनको उनको इंतहाई मोहब्बत, खलूस, अदब और इहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल में ठंडक पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज चौथा रोज़ा इफ्तार किया जाएगा और पाकिस्तान से बाहर बाहर ममालिक में आज पाँचवा रोज़ा इफ्तार किया जाएगा, यानी पाकिस्तान में आज चार रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी, आज मंगल का दिन है, आज अप्रैल की 28 तारीख है 2020 ईस्वी। ठंड पड़ गई चाहिए चल। तो ये हम सब से पहले मैं भी जैसे कि मैं आपको बताया था कि रिविजन चलता रहता है, तो सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में पढ़ रहा था, तो वहाँ मैंने जब सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में एक दो चीज़ें पढ़ी, एक मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊँ, 1974 में गजनी में जलजला आया, ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी, बादशाह ज़ाहिर शाह ईरान का बहुत बड़ा बादशाह था, उसकी हुकूमत थी अफगानिस्तान का, तो उसकी हुकूमत थी, जलजला आया अब वहाँ पर बहुत बहुत ही बुरी तरह से जलजला था, तो उसमें सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई। अब जब कब्र फट गई तो वहाँ लोगों ने कोशिश की कि इस कब्र को दोबारा तामीर किया जाए, तो उसके लिए उसको पूरा खोलना पड़ा, जब उसकी पूरी कब्र को खोला गया, सुन रहे हैं आप, तो बड़ी अहम बात है, जब उसकी पूरी कब्र को खोला गया तो सुल्तान ऐसे लेटा था जैसे उसे कल कोई लिटा कर लिया, जबकि उसे इंतकाल फरमाए हुए 1000 साल गुजर गए, 1000 साल, ये तो बड़ा मशहूर वाक़ है, 1000 साल गुजर गए भाई। सुबुख्तगीन के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी को हुकूमत मिली थी और सुल्तान ने अपने इंतकाल से पहले, मेरा ख्याल है हाँ जी, इंतकाल से पहले लाहौर जो था वो अयास के हवाले कर दिया था, अयास के हवाले करके लाहौर, और आगे वो बगदाद फतह करना चाहता था, उसी ज़माने में उसका इंतकाल हो गया। सुल्तान, अच्छा महमूद गज़नवी पहला बादशाह है जिसे बाकायदा सुल्तान कहा गया, सुल्तान का लकब, सुल्तान का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो महमूद गज़नवी के लिए इस्तेमाल हुआ, बाकी जो औलिया किराम, औलिया अल्लाह, तो उनके लिए तो कहा ही जाता था सुल्तान अल मशायख, सुल्तान अल औलिया, ये तो कहा जाता रहा है, सुल्तान अल हिंद, ये तो खैर बाद में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ महमूद गज़नवी, महमूद गज़नवी सुल्तान अल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी करीब नवाज, लेकिन जो ये कब्र खुली और वो जो 1000 साल तक, अब आप देखिए, अब एक बात मैं कहने वाला हूँ बहुत अदब के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सुल्तान महमूद गज़नवी ना कोई आलिम था, ना कोई फाजिल था, ना कोई मुफस्सिर था, ना कोई मुहद्दिस था, अल्लाह का एक बंदा था, लेकिन नेक बंदा था, आलिम नहीं था। कहते जी बहुत बड़े आलिम थे, उनकी कब्र को और जब खोला गया तो वैसे की वैसे थे, आलिम कह सकते हैं, लेकिन एक सुल्तान जिसके लिए पूरी दुनिया में आज ये कहा जाता है कि उसने न जाने कितने लोगों को लूटा, मारा, कत्ल किया, कत्ल गार किया, तो भाई जब इल्ज़ाम लग रहे थे तो अल्लाह ताला ने पैमाना मुकर्रर किया, आओ ये कब्र खोल देता हूँ, देख लो कैसे लेटा हुआ है सुल्तान, ये पैमाना मुकर्रर कर दिया ना, ये तुम इसे लुटेरा कहते हो, तुम कहते हो इसे लूटा, तुम कहते हो इसने लोगों को कत्ल किया, आओ देखो देखो ये देखो, ये देखो कैसे लेटा हुआ है, 1000 साल बाद भी कफन सीने से खुला हुआ है, हाथ ऐसे रखे हुए, देखो कैसे लेटा हुआ है, ऐसे सो रहा है जैसे कि अभी किसी ने सुलाया है, तो ऐसे क्या इल्ज़ाम लगाते हो। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ मुतजद्दीदीन, रोशन ख्याल, लिबरल्स तो हम भी हैं, मुतजद्दीदीन, रोशन लिबरल तो हमसे ज़्यादा लिबरल कौन होगा भाई, इस्लाम पर अमल करने वाले सबसे ज़्यादा लिबरल होते हैं, उसकी वजह यह है कि इस्लाम इज़ द लास्ट वर्जन ऑफ रिलीजन्स, ये नहीं समझ लें कि भाई चलो एक मिसाल देते हैं, कोई सी भी गाड़ी की मिसाल देते हैं, चलो टोयोटा करोला, हाँ
टोयोटा करोला 1974 में कैसी होगी? गोल अजीब गोल बत्तियां सी, अजीब सी गोल बत्तियां होंगी हैं। आगे का उसका बंपर जो है अजीब सा होगा, लोहे का बंपर अजीब। अच्छा लॉक भी यूं टक करके खोलते होंगे, हो सकता है टेढ़ा खुलता हो जी, ठीक है। हाँ टायर भी होंगे गोल गोल से अजीब से। चलो आ जाते हैं 1990 में, कुछ बदली? बहुत बदल गई। बदल गई, पावर स्टीयरिंग आ गया? बिल्कुल आ गया। अच्छा उसके बाद 2000 में टोयोटा करोला कैसी हो गई? बहुत बदल गई। उसकी लाइटें भी बड़ी ऐसी लगेंगी जैसे कोई बैक लाइट्स, एलियन की गाड़ी आ रही है, शानदार सी हो गई। आगे आ रही दुनिया में चले गए हैं। 2020 में करोला जो आई तो क्या आई? अब तो डिजिटल मीटर है, अब तो हर चीज डिजिटल हो चुकी है। चोर बाजार से आपको ब्लूटूथ सिस्टम भी नहीं लगवाना, वो भी लगवा रहा है, हर चीज मौजूद है। तो मतलब लेटेस्ट हो गई ना, तो इस्लाम भी लेटेस्ट है यार, सबसे आखिर में आया। आप इसे क्यों पुरानी 74 की टोयोटा करोला बनाए हुए यार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम सबसे लास्ट में है, इस्लाम के बाद कोई दीन आया? तो भाई ये पावर स्टीयरिंग लगे हुए इसमें, इसमें पावर विंडोज है, इसका डिजिटल मीटर है, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है इसमें। आपने पता नहीं कि उसको गारों का और पहाड़ों का और पुराने जमाने का आपने दीन बना दिया। ये सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे ज्यादा लिबरल और सबसे ज्यादा लोगों में समा जाने वाला दीन फितरत है। आपकी फितरत के ऐन मुताबिक ये दीन अल्लाह सुभान व तआला ने आपको पसंद फरमाया आपके लिए। इन दीन इन अल्लाह इस्लाम, अल्लाह को इस्लाम सबसे ज्यादा महबूब है क्योंकि ये मॉडर्न है। लिबरल को पता नहीं लफ्ज हमने इसको खराब कर दिया है। हम सब लिबरल हैं। ये आजादाना सोच का मतलब ये नहीं होता कि आप मदर पितर आजाद हो। आजादाना सोच का मतलब ये होता है कि आप अपने दीन के कवानीन की रोशनी में फिक्र करते हुए, इश्तिहाद करते हुए, ऐसे जाबते, ऐसे राबते, ऐसे कवानीन मुरतब करें जो दीन से मुतसादिम भी ना हो, दीन से टकराए भी ना, और आप दुनिया में सबसे तरक्की याफ्ता कौम भी कहलाएं। इसी को इस्लाम कहते हैं। माइक क्या है जी? लाओ, तुम तो बोलते नहीं, लाओ इधर दो। क्या माइक दे दिया करें यार ये सबको जी। हाँ जी, ये लिबरेशन जो है बुनियादी तौर पे ये नजरिया नहीं, ये रवैया है कि हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, हर एक को अपनी स्पेस दे। क्या, क्या, क्या रवैया नहीं? ये एक रवैया का नाम है, बिहेवियर का नाम है, आइडियोलॉजी का नाम है लिबरलिज्म। हाँ जी है? तो ये एक बिहेवियर की तारीफ कर रहे हैं। लिबरलिज्म जो है एक रवैया है, और हमने खुद माशरे में तफरीक पैदा की। हमने कहा जी वो जो बात कर रहा है और कह रहा है कंप्यूटर सामने रखकर कि मैं अहदीस को अभी निकाल लेता हूँ, कोट करता हूँ और एक हदीस का लफ्ज लिखता हूँ, हदसना अबू बकर, अब मैं जब हदसना अबू बकर लिखा तो हजरत अबू बकर के से रिवायत करता, बहुत सारी हदीस सामने आ गई। उसने जब नेट से निकाली तो जो पिछले वक्तों का आदमी था या जो थोड़ा सा रज्जत पसंद था, उसने कहा तुमने कैसे इस पर लिखा, ये तो तुम्हें हाथ से लिखना चाहिए था, किताब से ढूंढना चाहिए था। अरे इस झगड़े में कहाँ पड़ गया यार, ये तो टेक्नोलॉजी का झगड़ा है, टेक्नोलॉजी का झगड़ा है। इस टेक्नोलॉजी के झगड़े में ये कैसे तय कर लिया वो लिबरल है और वो सच्चा? हाँ ये बिहेवियर हुआ, बिल्कुल बिहेवियर, ये बिहेवियर है। अच्छा हमें इस बिहेवियर से तो निकलना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को जो ये कहते हैं कि सुल्तान जालिम था, सुल्तान ने जुल्म किए, भाई 1974 में जलजला आया गजनी में, 1974 पुरानी बात नहीं है, मैं उस पर 4-5 साल का होऊंगा। हाँ। तो उस वक्त ये जलजला आया है, ठीक है तू भी बता दे पूरी, अगर मैं थोड़ा छुपा भी दूँ तो पूरी एग्जैक्ट बता। हाँ। नहीं, आप ज़्यादा कितनी है? तो 1974 में ये जलजला आया गजनी में, कब्र फटी। अच्छा मैं लगता हूँ तुम्हें, मेरी याददाश्त, मेरी हाफजा तुमसे तो अच्छा ही है। हाँ तुम जरूर बताओ कि कितनी मेरी उम्र है। तो आपने खुद ही कितनी दफा टीवी में बताया, गलती कर दी ना उसे नुकसान हो गया ना बहुत। नहीं नहीं ऐसी। अच्छा हम जो, अच्छा यार एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, जब वो लेटे हुए थे तो उनकी जब कब्र को दोबारा तामीर किया जाने लगा तो किसी ने उनके हाथ को उठाया, ये बड़ी अजीब सी बात है और ये नेट पर मौजूद है। आप जाएं आप सुल्तान महमूद गज़नवी लिखें, विकीपीडिया आपको बताएगा। चल मैं क्या बताऊंगा, विकीपीडिया बताएगा। 74 का मशहूर तरीन वाक़या है, मशहूर तरीन वाक़या है, दुनिया भर में मशहूर। उनका हाथ जब उठाया शहरी साहब, हाथ ऐसा था जैसे नर्म और नाजुक कभी किसी ने हाथ पकड़ा, सॉफ्ट बिल्कुल, बिल्कुल तरोताज़ा गर्म जिस्म था कि जैसे कोई ले गया था यहाँ से और उसे लाकर अभी अभी रख दिया। 1000 साल इंतकाल के, 1000 ईयर्स। सर वो नाद भी है ना कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता है, कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के दीवानों, वाह वाह भाई खली मोहम्मद साहब कमाल कर गए, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। ये शेर पढ़ दो ना यार,
जमीली नहीं होती, जमन मेला होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। क्या कह रहे, क्या कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं सुल्तान महमूद गजनवी ने सलजूकों के साथ, मरहटों के साथ, राजपूतों के साथ, बड़ी लड़ाइयाँ सुल्तान महमूद गजनवी ने लड़ी, लेकिन एक लड़ाई सुल्तान महमूद गजनवी अपने नफ्स के साथ लड़ते रहे, और वो लड़ाई ये थी कि उन्होंने कभी भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि उन्हें कुछ बुज़ुर्गों के वाक़ियात मिल जाए, कुछ वो सुन लें। तो सुल्तान महमूद गजनवी, अच्छा भारत में तो बड़ी फिल्में बनाई गई सुल्तान महमूद गजनवी को मलायन करने के लिए, लेकिन तुम चाहे जितनी फिल्में बना लो यार, तुम्हारे मलायन करने से कुछ नहीं होता। 1974 के वाक़े को कहाँ लेकर जाओगे भाई, तुम्हें तुम तो बता नहीं सकती ना, तुम कैसे बताओगे, हम बताएंगे, हमारा फ़र्ज़ है कि यार फोरम पर खड़े होकर हम ये बताएं। हालांकि हमारा सुल्तान महमूद गजनवी से रिश्ता क्या है, हमारा रिश्ता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता। ये मोहब्बत उनमें भी थी, ये हमारे हम सब में है, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं ये वाक़ पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। रिवाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें आई जनाब, तशरीफ़ लाइए। इलायची, इलायची के बारे में एक बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो ये कि अगर आपको बुखार हो तो इलायची के चार दाने आप गर्म करें, यानी चार दाने से बोला चार इलायची लें, और वो लेकर आप एक कप में या उसमें जब जोश आ जाए और जब आधा कप रह जाए तो आप उसमें चार चमचे खालिस अरके गुलाब के डालें, तेज़ से तेज़ बुखार भी टूट जाएगा फ़ौरन। तो अब ये जो शुरू में कोरोना में बुखार आपको होता है तो ज़ाहिर है कि आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, आप चेक कराते हैं, अब फिर वो बताते हैं आपको कि इसकी पहली अलामत ये है, मतलब ये भी हो सकता है किसी को खांसी हो रही हो, खुश्क, किसी की का नज़ला मुसलसल बह रहा हो, बहुत सारी अलामत है, जिसम में दर्द हो, लेकिन जो जिस पर मुत्तफिक या कहेंगे तमाम अतिब्बा मुत्तफिक है जिस पर, वो ये कि इसमें सबसे पहले आपको बुखार होता है। तो बुखार तोड़ने का इलायची सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इलायची डालें, चार इलायचियाँ, पानी गर्म करें, जब पानी थोड़ा रह जाए तो उसमें चार चमचे खालिस अरके गुलाब के डाल दें। अच्छा कहते हैं कि अरके गुलाब जो है वो मलके नूरजहाँ ने, हमें तो मलके तरन्नुम में आती है, तो मलके नूरजहाँ ने वो, ये गलत है यार, एक तो समझ में नहीं आती कि कैसे लोगों को समझाएं। वो काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। अच्छा अरके गुलाब क्या है, अच्छा गुलाब क्या है, गुलाब के बारे में मुल्ला अली कारी साहब ने, हाँ बिल्कुल मुल्ला अली कारी साहब ने लिखा है गुलाब के बारे में। गुलाब की खुशबू दरअसल है क्या, अगर किसी को रसूल का पसीना सूंघना हो तो गुलाब को सूंघ लें। अल्लाह ताला ने आपके पसीने के कतरों से, क्योंकि उम्मे सुलेम के पास ये कतरे मौजूद थे, उम्मे सुलेम ने इन कतरों से क्यारी में एक पौधा लगाया, जब वो पौधा निकला तो उसका नाम गुलाब था। ये मुल्ला अली कारी ने लिखा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना गुलाब है। तो आप सोचिए कि जब आप अरके गुलाब इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ज़माने में गुलाब का पौधा उग रहा है, तो फिर ये नूरजहाँ कहाँ से आ गई। एक तो पता नहीं हर एक को क्रेडिट हमने दे दिया बिला वजह में, तहकीक किए बगैर अरके गुलाब नूरजहाँ की ईजाद है। नूरजहाँ की ईजाद है इश्क, इश्क मजाजी, और वो भी शेर अफगन को मरवा दिया था, शेर अफगन का कत्ल हुआ था जी, देख में क्या हुआ था, देख में पका दिया था उसको, क्या हुआ था शेर अफगन के साथ बताएं। बड़ा मशहूर वाकया ये कि वो आपका तो अदले जहांगीर ही मशहूर है भाई, हाँ अदले जहांगीर, जहांगीर साहब ने किया क्या था बताएं। तो ये इनके इश्क में जो है वो जो थे शेर अफगन साहब, वो उनके पहले शौहर थे, पहले शौहर थे, उनको जो है वो नूरजहां को फारिग करा दिया था, फारिग करा के शादी कर ली थी, और क्यों पहले पत्नी अब्बा ले गए अनारकली को, कौन ले गया था समझ में नहीं आया, कहते हैं दीवार में चुनवा दिया गया, नहीं नहीं पीछे से अब्बा ले गए थे, दीवार सामने से खड़ी की थी, पीछे से आए थे अब्बा जलालुद्दीन अकबर लेकर चले गए थे, वो दीवार ऐसी खड़ी कर दी। हाँ ये सब ऐसी थे, आप बताएं। बेसिकली इलायची जो है वो उसको कार्डमम कहा जाता है, उसकी दो किस्में हैं, एक इलायची खुर्द है, एक इलायची कला है।
बड़ी इलायची छोटी इलायची कहा जाता है। आज हमारा जो तस्करा हम कर रहे हैं वो छोटी इलायची यानी सब्ज इलायची का कर रहे हैं। ये एक मिनट आपने सीमित जाया कर दिया, हम सब्ज इलायची का कर रहे थे। हाँ सब, मैं बड़ी इलायची का बताने की जरूरत, तफसील थोड़ा सा बताने की जरूरत थी। तो इलायची जो खुर्द है, खाने वाली इलायची कहा जाता है, ये इंडोनेशिया मलेशिया में श्रीलंका में इसके जो है वो पाए जाते हैं दरख्त, और वहाँ ये होती है। और ये बेसिकली सर्द ये गर्म खुश्क तासीर रखती है, मुफर्रह कल्ब है, और मुफर्रह कल्ब बता दें, कल्ब को फर्क पहुँचाती, दिल को जो है तस्कीन पहुँचाती, सुकून पहुँचाती, घबराहट होती है, लोगों को बेचैनी होती है उसके लिए बहुत अच्छी है और खुशबूदार होती है। मुकव्वी कल्ब कहेंगे तो इसका मतलब कल्ब को ताकत पहुंचाती है। ये मुफर्रह कल्ब फर्क पहुंचाती है, फर्क बता देना नाज़रीन देखने वाले। जी बिल्कुल, मुफर्रह कल्ब है और खुशबूदार है। मुमल कहती है अम्मी से बोलते हैं हम कि भाई मैं बता तो दे क्या किस जमाने की आप उर्दू पढ़ रहे हैं। नहीं ये तो पढ़नी चाहिए, देखें आप अगर हमारे पड़ोसी मुल्क को देखते भाई कैसे पढ़े, अब ये कैसे समझाए किसी को कि फलसफियों के खाने हैरत में खुश रंगों ने खदवेज फूल नहीं खिलते बल्कि तहजीबी मौजे बार में बाद समूह अफकार लेकर रगो पे में फिरते रहते, इसमें क्या मतलब पता चलेगा, क्या पता चलेगा। देखें अगर आप बोलते रहेंगे लोग समझ बैठ के आमिल ला, नहीं आप बोलते रहेंगे तो लोग सीखेंगे। देखें पड़ोसी मुल्क अपनी इतनी गुमशुदा लैंग्वेज जो है संस्कृत को चला रहे हैं, हिंदी को चला रहे हैं, उर्दू लोग नहीं सीखना चाहते, प्रॉब्लम ये है नहीं सीख रहे, लोग संस्कृत सिखा रहे हैं लोगों को, वहाँ सिखा रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं सीखना चाहते, या कहते हैं आसान करो उर्दू आसान, गुलाबी करो, अब तो गुलाबी भी नहीं कहते, अब तो कहते हैं पर्पल कर दो, पर्पल कर ना भी कर दो ना भी उर्दू सही ना भी उर्दू बता दे थोड़ा सा। और तो ये जो है खुशबूदार होती है, ये इंसान के उन लोगों को जिन्हें गंदा दहनी यानी मुँह में से बदबू की शिकायत होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये गंदा दहनी मुँह में से बदबू आना वो एक मर्द होता है, अक्सर लोगों के मुंह से बू आती है, और गले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक दफ़ा मैंने शहरी भाई को एक नुस्खा बना के दिया था, इनकी आवाज़ बंद हो गई थी एक प्रोग्राम के दौरान हमारे, मुझे दे आजकल मेरी आवाज़, वो मैंने इनको नुस्खा बना के दिया था, विद इन फाइव मिनट्स इनकी आवाज़ सही हो गई थी, गवाह इस चीज़ के है या नहीं। किसी बंगाली को एक्सप्रेस के बाहर किसी ने बिठाया हुआ है, अच्छा वो इसी काम में लगा हुआ है, मेरा गला बंद हो जाए, अच्छा अल्लाह ताला बिठाया हुआ है, आप चेक करें जाके। जी बहरहाल, तो दूसरा ये कि इससे हाजिम है, ये मैदे की तहरीकात को बेहतर करती है, हाजमा बढ़ाती है, जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो इसे इस्तेमाल करें उनको फायदा पहुंचता है, एसिडिटी में बेस्ट। जी एसिडिटी में बहुत फायदा देती है, बहुत फायदा देती है और तस्कीन पहुंचाती है। चाय में डाल दिया करें इलायची, हाँ इलायची, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ बुखार का जो सबसे बेहतरीन तरीका है जो मसनून है वो ये कि बुखार के लिए आप चार इलायचियाँ डालें, इलायची के इलायची चार, इसका बकायदा पूरा नुस्खा है, इलायची है चार इलायचियाँ हैं, साथ में जो है वो खाकसी इस्तेमाल की जाती है, खाकसी एक चीज़ होती है वो इस्तेमाल की जाती है, नहीं तिब्बे नबी में तो अरके गुलाब है, अरके गुलाब है और पूरा एक नुस्खा जो तिब्बे हाँ। वो मैं बताना चाह रहा हूँ, बता दे। तो ये आप इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होता है इससे। दूसरा ये कि ये आप वैसे भी अगर एक एक इलायची दिन में दो तीन दफ़ा एक एक चबाते रहें तो आपको ज़हनी तौर पर भी तकवीत मिलती है, चैनी का आलम होता है, आदमी को जो है बेचैनी होती है, घबराहट होती है, टेंशन होती है, वो आदमी रिलैक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा इससे। इस खौफ को बता रहे हैं ये इलायचियाँ खा खा के सारी खत्म कर देंगे। नहीं इलायची बहुत महंगी है, इस वक्त 12,000 रुपये किलो है इलायची, 12,000 रुपये किलो, जी 12,000 रुपये किलो इलायची है, ये बताओ भाई, जी 12,000 रुपये किलो है इलायची, आप क्या समझते हैं 12,000 रुपये किलो, जी 12,000 रुपये किलो, और ये आप समझते हैं तो चाय में यूँ डालते रहते हैं, हाँ तो वो इलायची आप शायद वो ये चटांग के हिसाब से मिलती है, तो है? वैसे एक्चुअली 12,000 जाली नहीं होती है, बता तो दो इलायची जाली नहीं हो सकती, क्या आप कोई और चीज तो जाली बना सकते हैं जो कुदरती पैदा करता चीज है वो जाली, जाली इलायची कैसे जाली हो सकती है, नहीं हो सकती, वो ये हो सकता है कि क्वालिटी उसकी लो क्वालिटी की हो, हल्की क्वालिटी की हो, एक 12,000 रुपए किलो, जी बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल तहकीक के साथ बता रहा हूँ, ऑथेंटिक, इलायची का धंधा शुरू करो भाई, तो इलायची पाकिस्तान में मंगाओ, मतलब ये काम वाम शुरू करो, ये करो भाई आगे आने नौकरी वोकरी तो आगे नजर नहीं आ रही, इलायची इलायची करो तुम काम, तुम कुछ इसकी तुम तो मैं इलायची का ढेर लगाऊंगा तुम वहाँ पे खड़ा इलायची कैसे तुम करके बताओ, जैसे तुम्हें इलायची बेचनी है फर्ज करो, नहीं हम करके बताओ मिल के करेंगे ना भाई, तू तो वैसे ही मजार का आदमी है, बता भाई बाजार लेकिन बाजार में खा रहा है, बाजार से बाजार में ना इलायची से रखी है मम्मी इलायची बेच दी तुमने, इलायची ले लो इलायची खुशबू वाली, ये हम लोग कहाँ पे एम्प्रेस मार्केट में खड़े हो जाएंगे यार, हमें देखकर तो लोग बहुत आएंगे, हमें इलायची बेचे बाजार से बाजार का सफर
अच्छा एक वक्फे लेते, वक्फे बाद हाजिर होते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।